कि तुम्हारे अंदर आत्मा का कोई एक अंश जरूर जीवित होगा। हमेशा की तरह फिर हुई नसीहत। अपनी आत्मा के उसी अंश को जागृत करो शनि, और जिन षड्यंत्रकारियों के साथ मिलकर तुमने निर्दोष सभ्या की हत्या की है उनके नाम मेरे हवाले करो। नहीं, उनके नाम मेरे हवाले करो शनि। नहीं नहीं, मैं कहता हूं उनके नाम मेरे हवाले करो। नहीं। सिंह जी पंडित जी, फौरन लिखने की सामग्री लाकर दो। जी पंडित जी। लीजिए पंडित जी। उन षड्यंत्रकारियों के नाम ले आओ शनि, ऐसा करके तुम अब भी अपने पापों का प्रायश्चित कर सकते हो। शनि, अगर तुमने ऐसा किया तो महाराज की मेहरबानी से तुम अब भी जिंदगी के हकदार बन सकते हो। उनके नाम मेरे हवाले, वरना चुनार तुम्हें चिंता नहीं छोड़ेगा। ये चक्कर चल रहा है पंडित जगन्नाथ। एक तो फिर जगन्नाथ, ये लो मेरा जवाब। तुम्हें जिंदगी प्यारी है या मौत? मुझे क्या जिंदगी दोगे? तो हमारी आपसी मारकाट से क्या सबक हासिल होता है? यही कि अगर हम मिलजुल कर काम करें तो खुद को भी बचा सकते हैं और शनि को भी। इसमें महाराज अशोधक की तरह क्रूर सिंह को भी कोई शक नहीं। क्रूर सिंह, तुम सब शनि को खत्म करने का इरादा छोड़ दोगे और आज के बाद अपनी अपनी लगामें सुल्ताना के हाथ थमा दोगे। मैं तुम सबको बचाने का जिम्मा उठाती हूँ। अगर इससे पहले कि शनि को महाराज के सामने पेश किया जाए, मैं आज रात को शनि को बचाकर ले आऊंगी। बोलो, मंजूर है? हाँ 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 सुल्ताना, मंजूर। 100% से भी बढ़कर मंजूर। तो ठीक है, तुम्हें से कोई भी शनि के खिलाफ एक कदम नहीं उठाएगा। सुल्ताना को मंजूरी देकर तुमने बहुत गलत किया क्रूर सिंह। हाँ क्रूर सिंह, ये सुल्ताना पता नहीं शनि को बचा भी पाएगी कि नहीं, लेकिन तब तक हमारी जान तो संशय में अटकी रहेगी। शनि के छूट कर आने का इंतजार करना सरासर बेवकूफी होगी। इसके छूटने का इंतजार कौन करता है तारा? देखती चलो, देखती चलो। मतलब? देखती चलो, देखती चलो। क्रूर सिंह की यक फितरती दिमाग की ये यक फितरत ही है। क्रूर सिंह ने दोहरी चाल चली है। क्या? यही कि मैंने शनि के लिए सुल्ताना की मोहब्बत के जज्बे का फायदा उठाया है। हमें क्या जरूरत कि हम शनि के लिए अपनी जान खतरे में डालें? सुल्ताना शनि से मोहब्बत फरमाती है यक, तो उसे ही शनि के लिए अपनी जान दांव पे लगाने दो। अगर उसने शनि को बचा लिया तब तो ठीक है, वरना। वरना क्या? वरना हम शनि और सुल्ताना दोनों को खत्म कर देंगे। यक यक यक। शेर खान, मैं एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ। क्यों प्रताप सिंह? मुझे तत्काल ही घर जाना है। क्या बात है प्रताप सिंह? मेरे एक निजी रिश्तेदार की मौत हो गई है। तुम एक घंटे के लिए
मेरी जगह की निगरानी कर लो। लेकिन प्रताप सिंह, तुम्हें मालूम है कि यहाँ से किसी को हिलने की इजाजत नहीं। बस यही इजाजत लेने तो मैं सिपे सराब के यहाँ जा रहा हूँ, नहीं तो वो गश्त पर चले जाएंगे। लेकिन प्रताप सिंह, तुम्हें मालूम है कि उस कैदी शनि का खाना पहुँचाने के लिए मुझे खास तौर से नियुक्त किया गया है, और ये चिन्ह देखते हो, ये वो खास पहचान है जिसे लेकर ही बंदी गृह में प्रवेश किया जा सकता है। ये मुझे इस काम के लिए सौंपा गया है और खाना पहुंचाने का समय भी निर्धारित है। फिर मैं तुम्हारी जगह निगरानी कैसे कर सकता हूँ? खैर, मुझे तुम पर बहुत भरोसा है, मैं सलीम से बात कर लेता हूँ। जैसी तुम्हारी इच्छा प्रताप सिंह। महारानी बंदी गृह जाने के लिए तैयार हैं, फौरन पहरेदारों को सूचना करो। मैंने वो जिसका नहीं कहना कुलशेर, उसका कत्ल कर दिया। मैं बहुत मुश्किलों का सामना करके मैं तुम तक पहुंच पाई हूँ। और सुनो, मैंने तुम्हारे फरार होने का भी योजना बना दिया है। चीजें भी लाई हूँ, ये लो, ये लो, ये लो, इसकी जरूरत पड़ेगी तुमको। इतनी सी चीज ठीक है, अगर तुम्हें सिर्फ एपीस जीत चाहिए तो मैं इसका बंदोबस्त कर देती हूँ। महारानी कलावती बंदी गृह में पधार रही है। नाम के दरिंदे तुम हो तो आप हैं चुनारगढ़ की महारानी कलावती। चुनारगढ़ की महारानी इस बंदी ग्रह में इसलिए आई है? क्यों, किस लिए आई है? सिर्फ ये देखने के लिए कि सभ्य जैसी देवी का कातिल कौन सा हैवान है। हैवान हूँ मैं, हैवान, हैवान को तो देख लिया, अब और क्या देखना चाहती है? हम ये देखना चाहते थे कि दो सगे भाइयों के खून में कितना अंतर हो सकता है।
हमें विश्वास नहीं होता कि पंडित जगन्नाथ जैसे महान इंसान के तुम भाई भी हो सकते हो। हम ये भी देखना चाहते थे कि पंडित जगन्नाथ और तुम्हारे संस्कारों में इतना अंतर क्यों है। सारा देवी मेरी तुलना जगन्नाथ के साथ की, जैसे अपूर्वा ने की थी। तो जगन्नाथ नहीं, उनके उनके गूंगे भाई शनि हो। शनि, तुम अब तक मेरी भावनाओं से खिलवाड़ करते रहे, जबकि तुम जानते हो कि मैं तुम्हारे भाई की अमानत हूँ। शनि, तुम गूंगे ही नहीं बल्कि घिनौने आदमी हो। घिनौने, निकाल है तुम पर, निकाल है तुम पर। तुम एक घिनौने इंसान हो। घिनौना इंसान, तुम जानती हो घिनौना कहने वाले का शनि क्या अंजाम करता है। वो बच नहीं सकता। शनि, तुम क्या कर रहे हो? दूसरी औरत सभ्या ने भी मेरी तुलना जगन्नाथ के साथ ऐसे ही की थी। तुम तो पंडित जगन्नाथ के बाल कहलाने के भी लायक नहीं हो। तुम्हारी निष्ठा उनकी मान दो पर कलंक है। वो अच्छाई के प्रतीक और तुम बुराई के। उनका काम देना है और तुम्हारा छीनना। तुम्हारी करतूतें इतनी घृणित है कि तुम्हारा सिर्फ तिरस्कार किया जा सकता है। शनि, तिरस्कार करने वाले का जवाब इस तरह देता है। नहीं शनि। तुमने भी मेरी तुलना जगन्नाथ से की है। कितना स्वच्छ, कितना पवित्र खून है पंडित जगन्नाथ का, और कितना अस्वच्छ, कितना अपवित्र खून है तुम्हारा। जगन्नाथ का खून स्वच्छ और पवित्र, और मेरा खून अस्वच्छ और अपवित्र। शनि, तुम सिर्फ खून कर सकते हो, खून और कुछ नहीं। मैं वही देता हूं जो जिसका नसीब होता है। शनि, तुम्हारे पास और है ही क्या किसी को देने के लिए? तुम मौत के सिवा और किसी को क्या दे सकते हो? मैं ये दे सकता हूँ। शनि, तुम्हारी ये जुर्रत, किरा और गर्भ महारानी के साथ ये गुस्सा थी दरिंदा मनुष्य। हो जाएगी। सिपे सालार, हजा। ये दे सकता हूँ। शनि, तुम्हारी ये जुर्रत, किरा और गर्भ महारानी के साथ ये गुस्सा थी दरिंदा मनुष्य। आगे बढ़े तो महारानी यही खत्म हो जाएगी। सिपहसालार, हट जा।
वहीं रुक जाओ, वरना मारा नहीं। इस कैदी को जान से मार डालो, इसे जिंदा मत छोड़ो। रुको, महारानी की जान खतरे में है, कोई नादानी नहीं करेगा। ये खतरनाक अपराधी है, हमें सोच समझ कर काम करना है। नायब दलवी जी, ताला खोलो। सोनालाल जी, कैदी को छोड़ना हुक्म के खिलाफ है। तुम ताला खोलो, इस वक्त महारानी की जान को खतरा है। ये बहुत खूंखार कैदी है। ताला खोलो, मैं तुम्हें हुक्म दे रहा हूं, बाकी की जिम्मेदारी मेरी है। नायब दलवी, ताला खोलो। जो हुक्म। विजय बहादुर, तुम पंडित जगन्नाथ को तत्काल खबर करो। पन्नालाल जी, मैं फौरन जाकर पंडित जगन्नाथ को खबर करता हूं। विजय बहादुर, तुम फौरन जाओ। पंडित जी, शनि ने। क्या बात है विजय बहादुर, क्या किया शनि ने? गजब हो गया पंडित जी, शनि ने महारानी को गिरफ्त में ले लिया है। ये क्या कह रहे तू? हाँ, महारानी को अपनी गिरफ्त में ले लिया? हाँ, ऐसा कैसे हो सकता है? शनि के ऊपर तो पहरेदारों की खास नाकेबंदी है। वो तो है, लेकिन उसने महारानी को बंधक बना लिया। फिर तो महारानी की जान खतरे में होगी। महारानी बंदीगृह में पहुंची कैसे? वो तो मुझे नहीं मालूम पंडित जी। महारानी को बंधक बनाकर क्या अभी भी बंदीगृह में मौजूद है वो? नहीं, उसने महारानी की जान का सौदा किया और बंदीगृह से निकल चुका है। आओ मेरे साथ। भाई रुक जाओ, अगर मेरे पीछे आने की कोशिश की तो जानते हो महारानी का अंजाम क्या होगा। रुक जाओ, रुक जाओ, आगे कोई बात बढ़ना। अब जाओ पन्नालाल जी, महारानी की जान खतरे में है। ऐसे वक्त में कोई कर भी क्या सकता है? काश के महाराज महल में होते। अपने अयारी की हथियार संभाल कर रखो, वरना